हनान, तुमने मेरे ऑफिस में जॉब करने से क्यों मना कर दिया? यार वो मैं सोच रहा था कि एक ही ऑफिस में मियां बीवी काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगे, मतलब ऑफिस में भी काम की बात, घर पे भी काम की बात, हर वक्त क्या काम की बातें करते रहेंगे, ऊपर से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं तो कहे तो तुम सही रहे हो, है ना? वो तुम्हारे बॉस ने मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की? पूछा था उन्होंने, इन्होंने कह दिया कि तुम लोगों को कोई जरूरी काम है तो बस। चलो अच्छा हुआ। वैसे तुमने अभी तक मुझे प्रॉपर रीजन नहीं बताई, तुम किसी मसले में तो नहीं फंस गए ना? नहीं तो यार वो एक्चुअली मुझे कहीं और से जॉब ऑफर आई है और वो काम भी मेरे मुताबिक है तो मैंने सोचा उनको हाँ कह देता। तुम्हारे मुताबिक के काम बहुत खतरनाक होते हैं, तुमने फिर से गलत रास्ते पर चलने का फैसला तो नहीं कर लिया? तुम्हारी कसम खाता हूँ, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है ना मैंने उस रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। हनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस मैं भी तो यही चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जहां पर तुम हो, मैं हूं और हमारे आसपास सिर्फ मोहब्बत। तुम कितना रोमांटिक हो, तुम्हारी बातों में किस कदर जादू है। तुम लड़कियों के फोन क्यों छीनते थे? दो बातें प्यार वाली कर लेते, लड़कियां तो जान दे देती हैं, तो फिर फोन क्या चीज है? तुम मेरे माजी का मजाक उड़ा रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। आई एम सॉरी। अच्छा मुझे माफ कर दो, मेरे दिल पर डाका डालने वाली डाकू भाई नहीं बोलना, भाई नहीं, ये भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा, भाई नहीं बोलना। हनान मुझे तो यकीन ही नहीं यार, हमारी शादी होने वाली है। इसी बात की तो फिक्र खाए जा रही है मुझे। मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरी तरह खुश होगे। ऐसा नहीं है, मैं खुश हूं, बस बेरोजगारी की फिक्र है, परेशान कर रखा है इसने मुझे। हनान तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मैं शादी के बाद भी जॉब करती रहूंगी और मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जॉब मिल जाएगी। आयमा मैं सोच रहा था कि तुम कितने ख्वाब लेकर इस घर में आ रही होगी ना, अगर मैं तुम्हारे वो ख्वाब पूरे ना कर सका तो तुमसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? तुम नजर मिलाने की बात कर रहे हो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। तुम जैसी लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझ जैसी लड़की कोई मिलेगी भी नहीं क्योंकि मैं एक ही हूँ। अच्छा है, बात बताओ कि शादी के बाद तुम बदल तो नहीं जाओगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी, लेकिन हनान आपको बदलना होगा। आयमा मैं तो पूरी तरह बदल चुका हूँ, जब से तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में उतरी है ना तब से मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। ये शादी के बाद आपका रोमांस खत्म तो नहीं हो जाएगा? कैसा सवाल है ये? वैसे रोमांस जो है ना वो दो तरफा होता है। कुछ बोलो। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या आयमा? आयमा मेरी बात। सर मुझे 1 वीक का ऑफ चाहिए था, मैंने आपको बताया था ना मेरी शादी है।
अच्छा जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। किससे हो रही शादी? सर वो एक दफा एक लड़का इंटरव्यू देने आया था यहाँ पर, हनान से। अच्छा, गुड लक फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू सर। अच्छा, वो लड़का दोबारा जॉब के लिए नहीं आया? जी सर, क्योंकि उसको दूसरी जगह से अच्छी ऑफर थी तो उसने वहाँ पर जॉब कर ली। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक, मैं आयमा की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।